I am Sunita ma'am. Today I will teach you maths. My topic is students. आज मैं आपको रोमन नंबर सिखा रही हूँ. का रोमन नंबर मैं सिखा रही हूँ. फार्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ. यहाँ 11 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x और i. क्या हो जाएगा x और i. यहाँ 10 और i हो जाएगा 11. क्या हो गया इसका रोमन नंबर 11 का x i रोमन नंबर इसका बन गया. अब मैं 12 का आपको सिखा रही हूँ. एक्स आई आई क्या बन गया 12 का एक्स आई आई. क्या बन गया इसका रोमन नंबर 12 का रोमन नंबर यहाँ 12 बन गया. अब मैं 13 का सिखा रही हूँ आपको. एक्स आई 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 कितना हो गया इसका रोमन नंबर 13 का एक्स आई आई आई. इसका रोमन नंबर 13 का यहाँ हो. अब मैं 14 का सिखा रही हूँ आपको. एक्स आई और वी क्या हो गया 14 का रोमन नंबर एक्स आई और वी. अब मैं आपको 15 का सिखा रही हूँ. X और V क्या हो गया 15. फिर से मैं सिखा रही हूँ 11 का X और I. क्या इसका रोमन नंबर 11 का बन गया यहाँ. अब 12 का X I I यहाँ 12 हो गया रोमन नंबर. अब 13 का मैं बता रही हूँ एक्स आई 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 13 का रोमन नंबर बन गया. अब 14 का एक्स आई और वी बन गया इसका रोमन नंबर. अब 15 का एक्स और वी क्या बन गया रोमन नंबर एक्स और वी 15 हो गया यहाँ रोमन नंबर. फिर मैं आपको समझा रही हूँ 11 का x और i रोमन नंबर बन गया 11 का. 12 का x i i 12 का रोमन नंबर बन गया. अब 13 का x i i i 13. अब 14 का x i v 14. 15 का x और v 15 का रोमन नंबर बन गया. अब मैं आपको मैथ सी में से बता रही हूँ. पेज नंबर 28 to 40 बुक में मैथ सी पेज नंबर 28 to 40 तक बनाना आपको. और बता रही हूँ मैं लिटिल हैंड मैथ स्किल बुक. पेज नंबर
30 तक आप लोग बना लीजिएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, मैथ सी पेज नंबर 28 to 40, लिटिल हैंड मैथ स्किल बुक पेज नंबर 28 to 30। ओके चिल्ड्रन, अब आप लोग रोमन नंबर समझ गए होंगे, इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।